काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस, संसार का वो मंदिर जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। 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 वाराणसी एक ऐसा स्थान है जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ विराजमान हैं। काशी संसार की सबसे प्राचीन नगरी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर का विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग काशी में काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मणिकर्णिका भी यही है। काशी विश्वनाथ मंदिर का कई बार निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग चिकने काले पत्थर से बना हुआ है। श्री विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के एक कोने में स्थित है। काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर हमेशा पंचामृत से अभिषेक होता रहता है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। फूल और बेलपत्रों से शिवलिंग हमेशा श्रृंगारित रहता है। महाशिवरात्रि, दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा, श्रृंगारी एकादशी आदि त्योहारों के दिन काशी विश्वनाथ जी को वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया जाता है। अनाथों के नाथ ब्रह्मांड नायक शिवजी यहाँ निवास करते हैं। शिवजी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यहाँ भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं। तारक मंत्र के प्रभाव से पापी मनुष्य भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। कहते हैं काशी नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होगा। उस समय भगवान शिव इसे अपनी त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देंगे। विषयासक्त चित्तो अपि
त्यक्त धर्मरतिर नरः इह क्षेत्र मृता सो अपि संसारे न पुनर्भवेत। अर्थात विषयों से आसक्त अधर्मी निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। भगवान शिव को विश्वेश्वर और विश्वनाथ नाम से पुकारा जाता है। ये सारे विश्व सभी प्राणियों के परमेश्वर हैं, नाथों के नाथ हैं। शिव भक्त काशी में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वेश्वर महादेव की अनंत शक्ति पर पूरा विश्वास है। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन जैसे महान लोगों का आगमन इस मंदिर में हुआ है। एक बार महारानी अहिल्याबाई के स्वप्न में भगवान शिव आए। महारानी उनकी भक्त थीं। स्वप्न में शिव जी के दर्शन कर महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गईं और उन्होंने सन 1777 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने से मंदिर के कलश को गढ़वाया। शिखर पर स्वर्ण लेपन होने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। वाराणसी में घाटों और गंगा नदी के अतिरिक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग वाराणसी का मुख्य धार्मिक आकर्षण बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवा। जिस तरह सूर्य एक जगह पर होकर भी पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी तरह काशी का प्रभाव भी पूरे जगत में फैला हुआ है। भगवान शिव शैल्य राजकुमारी पार्वती जी के साथ हिमालय पर रहते थे। अपनी पति की प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए पार्वती जी ने शिव जी से निवास के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढने की प्रार्थना की। शिवजी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी पसंद आई। शिवजी के शांत और एकांत निवास के लिए निकुंब नामक शिवगण ने वाराणसी को निर्मनुष्य कर दिया। इस संहार से राजा दुखी हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव के कहने से शिवजी मंदराचल चले गए, परंतु वो वाराणसी का मोह ना छोड़ पाए। तभी भगवान विष्णु ने राजा को ज्ञानोपदेश दिया और राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद
वाराणसी महादेव का स्थायी निवास स्थान हो गया और भगवान शिव ने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी की स्थापना की। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती होती है। मंगला आरती प्रातः 3 से 4 बजे तक होती है, भोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती साय 7 बजे, श्रृंगार आरती रात 9 बजे तथा शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होती है। ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ जी की मंगला आरती की जाती है। 11 पंडित 11 ज्योतिर्लिंगों के रूप में काशी विश्वनाथ की मंगला आरती करते हैं। शिवलिंग को दूध, दही, घृत, शहद, गंगाजल, चरणामृत से स्नान कराया जाता है। महादेव को भांग, धतूरा, आंख भी चढ़ाया जाता है। संसार भर से लोग यहाँ महादेव के अभिषेक हेतु आते हैं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। भगवान काशी विश्वनाथ आप पर दया दृष्टि बनाए रखें। वाराणसी तक भारत के सभी प्रमुख शहरों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा वाराणसी पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। महाशिवरात्रि के समय यहां भक्तों की भीड़ रहती है। इस समय यहां अति विशाल मेला लगता है। सभी भक्तजन इस मेले में शामिल होते हैं। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। पुणे से पुणे वाराणसी ज्ञान गंगा एक्सप्रेस और दरभंगा एक्सप्रेस वाराणसी जाती है। मुंबई सीएसटी से महानगरी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रांची एक्सप्रेस और वाराणसी एक्सप्रेस और दादर से दादर गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी जाने के लिए उपलब्ध है। इलाहाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर बामनोली एयरपोर्ट है। यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, पटना आदि के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। वाराणसी से सबसे नजदीक एयरपोर्ट बाबतपुर 22 किलोमीटर की दूरी पर है। Thank you.
अपनी अनुपम और अद्वितीय संस्कृति के कारण वाराणसी संसार भर में पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है। शहर में अनेक धर्मशालाएं, 3-4 अतिथि गृह और 5 सितारा होटल हैं। इसके अलावा पश्चिमी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त और दक्ष रहन सहन व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय खानपान के अलावा लगभग सभी प्रकार की खानपान व्यवस्था शहर में उपलब्ध है। वाराणसी की प्रसिद्ध मिठाई मालपुआ बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है। दूध से बने मिष्ठान यहाँ बहुत आयत में पाए जाते हैं। शहर के लोगों का स्वभाव भी सत्कार से परिपूर्ण है। वाराणसी बनारसी रेशमी साड़ियों और पीतल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा उच्च कोटि के रेशमी वस्त्र, कालीन, काष्ठ शिल्प और प्रदीपन आदि के सामान के साथ साथ बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं के मुखौटे विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। मुख्य खरीदारी बाजारों के चौक गौदौलिया, विश्वनाथ गली, लहुरा बीर एवं ठठेरी बाजार हैं। यहाँ काशी की कचौरी गली काफी प्रसिद्ध है। 80 घाट शहर के मुख्य इलाके गौदौलिया और युवा संस्कृति से ओतप्रोत BHU के बीच एक मध्यस्थ स्थान है, जहाँ युवा, विदेशी और आवधिक लोग आवास करते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन से बस तथा जीप द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भगवान काशी विश्वनाथ आप पर दया दृष्टि बनाए रखें, आपकी यात्रा मंगलमय हो।